तो इंडिया में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं हो रहा है। इंडिया में आपको अब सस्ती कूपे एसयूवी मिलने वाली है, जैसे टाटा कर्व, महिंद्रा E9 और सिट्रोन बसाल्ट, जो कि एक कूपे एसयूवी कार होने वाली है जो 10 से 18 लाख के बीच में होने वाली है। हालांकि पूरे वर्ल्ड में कहीं इतनी सस्ती कूपे एसयूवी नहीं मिलती है, आखिर भारत में ये कूपे एसयूवी की लेगेसी को क्यों बना रहे हैं? जनरली कूपे एसयूवी बड़े ब्रांड बनाते हैं, लाइक BMW X6, Mercedes GLE Coupe और Lamborghini Urus, और इन सभी गाड़ियों का प्राइस कितना होता है आपको पता ही होगा। इंडिया में अभी के टाइम पर कूपे SUVs की हाइप काफी है, जो कि इतनी ज्यादा मिलती भी नहीं है और देखने को भी नहीं मिलती है इतनी ज्यादा कूपे SUVs वाली गाड़ियां। तो जैसा कि आपको पता है कि मिडिल क्लास लोगों के लिए रतन टाटा ने टाटा नैनो को लॉन्च किया था, जिसे हर कोई बंदा अफोर्ड कर सके, हर मिडिल क्लास लोगों के पास एक कार हो। बट आपको तो पता है कि टाटा नैनो के साथ क्या हुआ। उसी तरह टाटा ने सोचा कि हम एक सस्ती सी कूपे एसयूवी लॉन्च करेंगे, और टाटा ने एक सस्ती कूपे एसयूवी को लॉन्च भी कर दिया, जिसका नाम था टाटा कर्व, जिसे आप सस्ती उरुस भी बोल सकते हो, जिसका प्राइस एक्सपेक्ट है 11 से 18 लाख के बीच में। फिर महिंद्रा कहाँ पीछे रहने वाले हैं? महिंद्रा ने भी इन्होंने अपनी नई नवेली एक कार उतारी, जिसका नाम था महिंद्रा E9, वो भी कूपे वाली। ये भी एक कूपे कार थी, बट ये एक इलेक्ट्रिक कार है, और इलेक्ट्रिक कार से हमें उतना कोई फासला वासला रिश्ता नाता नहीं रखते हैं। उसके बाद एक बाहर की कंपनी सिट्रोन, इन्होंने भी निकाली एक नई नवेली कूपे एसयूवी, जिसका नाम है सिट्रोन बसाल्ट, जिसका लॉन्च 2024 के एंड तक में हो जाएगा इंडिया में। आखिर कूपे एसयूवी के क्या फायदे हैं कि इतना डिमांड है और इतनी हाइप है? कूपे एसयूवी की रूफ थोड़ी डाउन या ये थोड़ी टेढ़ी टाइप होती है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जिसकी वजह से आपको बेटर एरोडायनामिक्स, बेटर हैंडलिंग और बेटर टॉप स्पीड देखने को मिलती है। अगर आप फास्टेस्ट एसयूवी को भी देखो तो वो भी थोड़ी बहुत कूपे टाइप के डिजाइन में ही होती है, जैसे लैम्बोर्गिनी यूरस और ये है एस्टन मार्टिन की, क्या नाम है, भूल गए। तो आपको इन तीनों एसयूवी में आपको कौन सी पसंद आई कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे वीडियोस देखने के लिए।